दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं Realme 10 Pro Plus 5G स्मार्टफोन के बारे में, जो कि बहुत ही बड़े अपग्रेड के साथ आएगा Realme 9 Pro Plus 5G से। दोस्तों ये स्मार्टफोन Realme की तरफ से काफ़ी यूनिक और इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन होने वाला है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दोस्तों आपको पता है Realme 9 Pro Plus 5G ऐसे फीचर्स को लेकर आता है जो कि 25,000 रुपये में कोई भी स्मार्टफोन प्रोवाइड नहीं करता है। बट सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि अपकमिंग जो Realme 10 Pro Plus 5G होगा ना, ये उससे भी अपग्रेडेड होगा। मतलब इसमें आपको काफ़ी यूनिक और इंटरेस्टिंग फीचर्स दिए जाएंगे काफ़ी अग्रेसिव प्राइस पॉइंट पर। तो चलिए गाइस बात करते हैं इस फोन के बारे में, क्या क्या आपको फीचर्स दिए जाएंगे, क्या प्राइस होगी और ये कब तक लॉन्च होने वाला है, डिटेल में बताऊंगा। बट गाइस यार आप इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों फटाफट से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले इस फोन के मोस्ट हाइलाइटिंग फीचर की, जो कि है परफॉर्मेंस। इसमें दोस्तों मीडियाटेक का डायमेंसिटी 8100 डुअल 5G चिपसेट दिया जाएगा, जो कि ओनली 5nm फैब्रिकेशन पर बना हुआ है। 2.85GHz पर क्लॉक्ड है ये ओक्टा कोर का चिपसेट है, फ्लैक्सिप ग्रेड का है, आपका गेमिंग एक्सपीरियंस फ्लैक्सिप लेवल का होने वाला है। आई थिंक ये पहला स्मार्टफोन हो सकता है उस प्राइस पॉइंट पर इस प्रोसेसर के साथ में, तो आपका जो गेमिंग एक्सपीरियंस होगा ना वो एकदम किलर होने वाला है। तो इस फोन में ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड 12 दिया जाएगा, Realme UI 3.0 के लेटेस्ट वर्जन पर आएगा। इसमें LPDDR5 रैम UFS 3.1 स्टोरेज टाइप होने वाला है। और अगर इस फोन की ओवरऑल डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो इस फोन के अंदर रियर साइड में ग्लास ऑफर किया जाएगा विद कॉइनिंग गोरिल्ला ग्लास 5, जो कि ग्लॉसी फिनिश के साथ आएगा। इसके अलावा ट्रिपल कैमरास होंगे, LED फ्लैश होगी और Realme की ब्रांडिंग दी जाएगी। प्लास्टिक का फ्रेम होगा, ये सेंटर पंचोल डिस्प्ले डिजाइन के साथ आने वाला है। ये दोस्तों टोटली इंस्पायर्ड होने वाला है Realme GT Neo 3 से। अगर दोस्तों डिस्प्ले की बात करूं तो इसमें 6.5 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया जाएगा विद 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट। इसमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, HDR 10 प्लस का सपोर्ट, डिस्प्ले पर कॉइनिंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी जाएगी। तो 9 प्रो प्लस 5G से डिस्प्ले में काफ़ी बड़ा जंप किया है। दोस्तों इस फोन के कैमरास की बात करूं तो रियर साइड में ट्रिपल कैमरास होंगे, प्राइमरी लेंस 50 मेगापिक्सल का होगा OIS के साथ, जो कि सोनी IMX766 लेंस के साथ आएगा। इसमें 8 का अल्ट्रा वाइड होगा एंड 2 का माइक्रो लेंस दिया जाएगा। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल की पंचोल सेल्फी दी जाएगी। रियर साइड से 4K 60fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे, फ्रंट साइड से 4K 30fps पर रिकॉर्ड कर पाओगे। तो कैमरा 9 Pro Plus के जैसा ही मिलेगा, बट इसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट किया जाएगा, ऑप्टिमाइजेशन अच्छा किया जाएगा, जिससे कैमरा क्वालिटी आपको एकदम शानदार मिलेगी। दोस्तों अब बात करते हैं बैटरी की। तो इस फोन में 5000mAh की बैटरी होगी, जो कि 120 वॉट की अल्ट्रा डार्ट चार्जिंग के साथ आने वाला है। चार्जर बॉक्स में भी होगा। इसमें टाइप सी पोर्ट, 3.5mm का जैक, फेस अनलॉक, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स और वेपर चैम्बर लिक्विड कूलिंग सिस्टम भी दिया जाएगा। फाइनली इस फोन की प्राइसिंग की बात करूं तो ये स्मार्टफोन एक्सपेक्ट 25,000 यानी कि लगभग 25,000 रुपए में ये लॉन्च किया जाएगा, और ये आपको अगस्त के एंड तक या फिर सेप्टेम्बर के महीने में डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।